हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकृत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी एक्साइटिंग और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना और एंजॉय करना। इसी के साथ में अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Redmi के साथ में। Redmi ने Redmi Note 10 सीरीज़ को आज इंडिया में फाइनली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और इस सीरीज़ में आप लोगों को तीन स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max करके। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max जो है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों को 20,000 रुपीज़ के आसपास इससे वेल बैलेंस फ़ोन जो है वो नहीं देखने को मिल सकता। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो पहले ही बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे अगर इसके की स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो इसमें आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर है, 5020mAh की बैटरी है 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ में। इसमें आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, IR ब्लास्टर है। ये फ़ोन जो है ये आप लोगों को IP52 रेटेड देखने को मिलता है। 108 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB वाला, इसकी प्राइसिंग आप लोगों को देखने को मिलती है सिर्फ 19,000 रुपीज़ की। और यहाँ पे जो इसके बाकी दो वेरिएंट्स है 6GB रैम और 128GB वाला, इसकी प्राइसिंग रखी है 20,000 रुपीज़ की। और जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB वाला, इसकी आप लोगों को प्राइसिंग यहाँ पे देखने को मिलती है 22,000 रुपीज़ की। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो Redmi Note 10 Pro Max जो है ये आपके लिए यहाँ पे बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर Redmi Note 10 Pro की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस जो है वो सेम ही देखने को मिलते हैं। इसमें आप लोगों को 108 मेगापिक्सल की जगह 64 मेगापिक्सल्स का जो है वो प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। बाकी आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और Redmi Note 10 Pro की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो बेस वेरियंट है 6GB रैम 64GB वाला, ये आपको देखने को मिलता है 16,000 रुपीज़ का। 6GB 128GB जो है वो 17,000 रुपीज़ का, और 8GB और 128GB वाला जो है वो 19,000 रुपीज़ का। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे 108 मेगापिक्सल्स का कोई अट्रैक्शन नहीं है तो आप लोग जो है वो Redmi Note 10 Pro की तरफ भी जो है वो देख सकते हैं। और Note सीरीज़ का जो सबसे बेसिक फ़ोन है Redmi Note 10, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 678 वाला प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल्स का क्वाड कैमरा सेंसर, फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ में। और यहाँ पे आप लोगों को दो ही वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जो कि है 12,000 रुपीज़ का, और 6GB रैम और 128GB वाला एक जिसकी प्राइसिंग आप लोगों को देखने को मिलती है 14,000 रुपीज़ की। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को Redmi Note 10 भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एक बेसिक स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल जाता है। Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max, ये तीनों ही अपने प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि कौन से स्मार्टफोन से आप जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रेस हुए हैं और आप लोगों को Redmi Note 10 सीरीज़ की प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे कैसी लगी। तो अब बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। और ओप्पो बैंड जो है वो BIS सर्टिफिकेशन पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका था और कंपनी ने जो है वो इसको अभी ऑफिशियल यहाँ पे कर दिया है। अगर आप लोगों को ओप्पो बैंड में यहाँ पे इंटरेस्ट है तो आप लोग जो है वो 8th of March को जाके यहाँ पे इसको जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। और सैमसंग गैलेक्सी A72 4G, ये जो स्मार्टफोन है ये गूगल प्ले कॉन्सोल पे यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को इसमें Qualcomm Snapdragon 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 6GB की रैम है वो इस फोन में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सिंगल सेंटर पंच होल के साथ में आप लोगों को ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कितनी जल्दी सैमसंग जो है वो इसको इंडिया में लॉन्च करता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या प्राइसिंग पे इसको जो है वो सैमसंग इंडिया में यहां पे लाता है। तो अब बढ़ते हैं वन प्लस की तरफ। और वन प्लस नॉर्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अकॉर्डिंग टू एंड्रॉयड सेंट्रल, वन प्लस नॉर्ड 2 ये स्मार्टफोन जो है वो
Q2 ऑफ 2021 में यहाँ पे लॉन्च होगा, जिसमें आप लोगों को MediaTek का फ्लैगशिप Dimensity 1200 वाला प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और देखते हैं कि OnePlus Nord 2 में हमें इस बार जो है वो क्या खास देखने को मिलता है, और क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है OnePlus Nord 2 के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है पोको की तरफ से। और मुकुल शर्मा ने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एक ट्वीट करके ऐसे बता दिया है कि पोको F3 और पोको X3 Pro ये दोनों ही स्मार्टफोन्स आप लोगों को ग्लोबली बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे पोको F3 जो होगा वो रेडमी K40 का यहाँ पे आप लोगों को रीब्रांड जो है वो देखने को मिल सकता है। और इंटरेस्टिंगली पोको X3 Pro जो स्मार्टफोन है, इसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 800 सीरीज़ का कोई प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसमें आप लोगों को 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। होप सो इंडिया में भी ये स्मार्टफोन्स हमें जल्दी से जल्दी जो है वो देखने को मिल जाए। और क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है पोको F3 के लिए और पोको X3 Pro के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।